हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग सिखाता हूँ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मिस के डिज़ाइन। अकेला मिस तो कोई डिज़ाइन नहीं बना सकता, ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम मिस ऐसे चला दें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रीज़न ये है कि अगर आप इतना बड़ा फ्लोट दोगे तो वो कपड़ा उतार देगा, और इतने बड़े फ्लोट में मतलब कुछ बनने का नहीं, धागा आपको बस सीधी जाएगी। तो मतलब कोई निडिल अगर निट नहीं कर रहा है, उठ ही नहीं रहा है निडिल, तो वो मिस कहलाता है। क्लियर है? अब इसको डिजाइन के तौर पे हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम फ्रंट पे ये मिस अगर यहाँ पे डाला हमने, तो ये जो मिस है मतलब ये निट होगा और यहाँ से धागा सीधा जाएगा इसके पास, और ये निट इस निट से जाके मिलेगा ऊपर वाले से, ये निट भी ऊपर वाले से मिलेगा। मतलब ये जो मिस है ये बैक साइड में फैब्रिक के नजर आएगा, और ये वाले जगह पे आपको वेल, वेल का मतलब हो गया नंबर ऑफ इसमें कोर्सेज, ठीक है, इस वेल में नंबर ऑफ कोर्सेज कम दिखेंगे। वेल को आप लोग जनरली निडिल बोलते हो, जैसे इस निडिल में नंबर ऑफ कोर्सेज मतलब कि कितने आधे गेड़े जा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये तो ये वाला नहीं बनेगा और यहाँ पर आपको टोटल 5 ही दिखेंगे, जबकि इसके बगल वाले लाइन में यहाँ 6 दिखेंगे। क्लियर है? तो मतलब यहाँ का कपड़ा थोड़ा कम बनेगा। कपड़ा कम बनने से क्या होगा, इनकी लूप की लेंथ बढ़ जाएगी, तो इससे एक अलग तरीके का इफेक्ट आएगा। अगर हम यहाँ पे बैक नेट दे देते हैं तो क्या होगा, ये फ्लोट हमारे को फ्रंट पे दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये बैक नेट आई है, मतलब सारी निडल यहाँ पर बैक पे चली गई, ट्रांसफर हो गई। उसके बाद इसने यहाँ नेट किया और यहाँ से फ्लोट किया, तो बैक पे तो निडल है, फ्रंट पे कोई निडल नहीं है, कोई लूप नहीं है, तो ये आपको फ्रंट पे नजर आने लगता है। हम इसी मेथड को लेके काफी डिजाइन्स बना सकते हैं अगर आप निटिंग इसकी समझ जाओ कि मिस क्या है। तो हम कुछ डिजाइन्स इसके बनाते हैं मिस के। तो ये हमारा आ गया फ्रंट निट, हमने यहाँ पे फ्रंट पे सबको ट्रांसफर कर दिया, बैक में कुछ नहीं हमारा बचा हुआ है, फ्रंट। अगर हम मिस यहाँ पर ऐसे चला दें, तो अब क्या है कि इस एरिया में नंबर ऑफ निट्स घट गए, तो ये एरिया थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो हल्की सी पकड़िंग दिखेगी नीचे की तरफ, वो लोग किंगरी बोलते हैं वैसे लुधियाना में, ठीक है, पर ये बहुत बड़ी किंगरी नहीं दिखेगी, हल्का सा इफेक्ट आएगा के जैसा, ठीक है, बहुत स्लाइट इफेक्ट आएगा। बस ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये आप बस यहाँ से जान लो कि ये वाला पोर्शन उठ जाएगा थोड़ा। अगर ये रिब हम कम बनाएंगे, रिब आपको ज्यादा नहीं बनानी होगी, ठीक है, आपने बस इतना बनाओ, उसके बाद ये बनाओ तो ये हल्का सा कर्व आ जाएगा। दूसरा है, आप अगर बैक नेट बना दोगे यहाँ पे, और बैक नेट पे अगर आपने मिस चलाया, मिस देखो एक साथ लंबाई में आप 3 से ज्यादा ना चलो, कहीं कहीं जरूरत पड़े तो 4 चला सकते हो, पर 3 रिकमेंडेड है, 2 बेस्ट है। आप अगर 2 चलाओगे तो 2 से रिजल्ट ठीक आता है, पर 3 भी चला सकते हो आप, 3 का भी रिजल्ट ठीक चल सकता है, 10 गेज की मशीन में, 12 गेज की मशीन में आप 3 तक चला सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइंस दिखेगी यहाँ से,
इस पे भी आपको ये सीधी लाइन दिखेगी। अगर हम बैक नीट और फ्रंट नीट बनाते हैं, ये बैक नीट और फ्रंट नीट में आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था मैं, जब आप यहाँ बैक नीट ऐसे बनाते हो, क्लियर, तो ये बैक नीट ऊपर की तरफ उभर जाएगा, जबकि है बैक नीट पर ये फ्रंट नीट नीचे चली जाएगी और बैक नीट ऊपर आ जाएगा। ये लूप में जो टेंशन है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। और अगर आपने बैक नीट ऐसे बनाया तो ये बैक नीट अंदर की तरफ चला जाएगा, फ्रंट नीट आगे की तरफ उठ के आ जाएगा। क्लियर? यानी अगर आप बैक नीट ऐसे बनाते हो तो ये आपको ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखेगा, बैक नीट ऐसे बनाते हो तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखेगा, जबकि है दोनों बैक नीट। यहां पर देखने में लग रहा है कि ये ऐसे दिखेगा, पर जब आप बनाओगे पीस तो आपको ये उठा हुआ नजर आएगा और ये अंदर निडल ड्रॉप के जैसा अंदर दबा हुआ नजर आएगा, है निडल ड्रॉप ही है। अब आपको मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो ये था एक ये था। आप बट बनाने के लिए भी मिस का यूज कर सकते हो, अगर अब रिप बताऊंगा तो प्रॉपर बट बताऊंगा, लेकिन अभी के समय में मान लो आपने ये फ्रंट नेट बनाया, ठीक है, फ्रंट नेट के बाद आप यहां पर मिस चला दिया वन बाय वन करके, तो ये भी एक अलग तरीके का इफेक्ट आपको नजर आएगा फैब्रिक में। इस पे क्या है कि ये वाली जो लूप है वो जाके इस लूप से जुटती है, तो अगर ये हम 4 बार कर सकते हैं 10 गेज की मशीन में, अगर थोड़ा सा मशीन को लोड पड़ेगा क्योंकि बट में हर किसी में पड़ेगा निडिल में लोड थोड़ा, पर आप ऐसा अगर कोई डिजाइन बनाते हो तो ये क्या है, ये निडिल जाके इससे मिलती है, ये जो 4 निडिल है ये 4 इस एक निडिल के बराबर आने की कोशिश करेगी, तो ये बाहर की तरफ उठ जाएगी थोड़ी सी, पर ये निडिल इसको रोक के रखेगा, तो ये हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ डिजाइन दिखेगा। तो टोटल हो गए आपके 3 तरीके के ये ऐसे डिजाइन। अब अगर आपने मान लो बैक नेट यहाँ पे बनाया है ऐसे, ठीक है, अब इस बैक नेट में आप साइड पे मिस डाल दिए यहाँ पर, अब क्या है ये 2 नेट जाके इससे मिलेगी, ये 2 नेट जाके इससे मिलेगी, ये ऑलरेडी बाहर की तरफ उठा हुआ आएगा जो मैंने पहले बताया था, और इन दोनों के दबने से ये और थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। इसको लेके आप डिजाइन्स बना सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं और डिटेल में फैब्रिक व्यू के साथ डिजाइन्स बनाना सिखाऊंगा, अभी ये बेसिक्स चल रही है तो बेसिक्स के हिसाब से ही मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे अच्छे समझ में आ जाए। चलो आज की क्लास बस इतनी, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लो, आगे आने वाले वीडियो अच्छे होंगे और एडवांस वीडियोस भी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।